हेमंत सोरेन का क्या होगा, इस पर जल्द ही फैसला आ सकता है। सोरेन को अयोग्य ठहराने संबंधी आदेश पर आज ही फैसला आ सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। आज मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचने वाले गठबंधन में शामिल विधायक अपना अपना बैग यानी सामान लेकर पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन विधायकों को यहां से छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जा सकता है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर जो विधायकों की गाड़ियां पहुंच रही हैं, उनमें इसी तरीके से सामान नजर आ रहा है, बड़े बड़े बैग नजर आ रहे हैं। हालांकि जब हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी ने बात करने की कोशिश की तो किसी ने कुछ कैमरे पर कहा नहीं, लेकिन ये तस्वीरें इस ओर इशारा कर रही है कि डर सता रहा है कि कहीं विधायक टूट न जाए, इसलिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जो भी फैसला होगा उसके आधार पर तय किया जाएगा कि आगे होना क्या है। और इसी के लिए ये तैयारियां हैं कि बैग लेकर तमाम विधायक मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच रहे हैं। आज दूसरा दिन है जब हेमंत सोरेन विधायकों की बैठक ले रहे हैं, और इस बैठक पे पहुंचने वाले विधायकों के ये बड़े बड़े बैग उनकी गाड़ियों में नजर आए। हालांकि सवालों के जवाब किसी भी विधायक ने दिए नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इतनी तैयारी, इतने तामझाम के साथ क्यों पहुंच रहे हैं विधायक मुख्यमंत्री के आवास पर। तो जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं ज्यादा जानकारी ले लेती हूं। भट्टाचार्य साहब की क्या है ये बैग लेकर कहां जाने की तैयारी है सर? आपको किसने कह दिया कि बैग लेकर कोई पहुंच रहे हैं? ये तस्वीरें जो आ रही है सर मुख्यमंत्री के आवास से, बड़े बड़े सूटकेस नजर आ रहे हैं सर साफ तौर पर। कहाँ से सूटकेस आपको नजर आ गया? हम तो खुद मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए, हमको तो एक भी सूटकेस नहीं दिख रहा। नहीं सर, देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर हमारे सहयोगी हैं, उनके कैमरे की नजर से आप चाहें तो एबीपी न्यूज लगा सकते हैं। इस वक्त बड़े बड़े सूटकेस नजर आ रहे हैं और उन्हीं गाड़ियों में जिनमें विधायक पहुंच रहे हैं। अच्छा, गाड़ी के ऊपर कोई सूटकेस दिखा है क्या आपको? गाड़ी के अंदर नजर आ रहा है सर। गाड़ी के अंदर में कैसे कोई नजर रख दे? अच्छा, मैं कह रही हूँ कि तस्वीरें हमारे पास हैं, आपने शायद देखी नहीं होंगी, तो अगर ऐसा कुछ नहीं तो आप डिनाई भी कर सकते हैं। इस वक्त चल क्या रहा है सर मुख्यमंत्री आवास पर? लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के बाद में अभी जो राजनीतिक एक जो आपको संशय की स्थिति पैदा किया है कुछ लोगों ने जी, ताकि राज्य स्थिर हो, तो उसी पे मंथन चल रहा है। लोग यहाँ पर बैठे हुए, सारे विधायकगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सारे मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, बैठ के आपस में विचार विमर्श हो रहा है। ये कहा जा रहा है सर, ये जो बैग हमें नजर आ रहे हैं, आपने भले नहीं देखे लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा कुछ? कहीं कोई शिफ्ट नहीं है, सबका रांची में अपना अपना रेसिडेंस है। सर राज्यपाल का फैसला आने वाला है, फैसला अगर खिलाफ जाता है हेमंत सोरेन के तो आगे की क्या तैयारी? सभी तरह की तैयारियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी में कभी पीछे नहीं रहती। क्या उसी को लेकर बैठक चल रही है, कौन होगा सर अगला मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन ही अगला मुख्यमंत्री, अभी भी मुख्यमंत्री और अगले 20 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। मतलब आपके मुताबिक अगर अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं तो अगर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाता है तो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित तौर पे अगले 20 साल तक के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बहुत शुक्रिया सुप्रियो भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के नेता हैं, उनका कहना है कि इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। हालांकि बैग को लेकर जो हमने सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वो जो बैग वाली तस्वीरें हैं उनको वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कहीं किसी को शिफ्ट करने की कोई तैयारी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टियां पहले से हर तरह के जो है सिनेरियो को भाप कर चलती है, तैयारियां उनकी पूरी रहती है और मुख्यमंत्री राज्य के हेमंत सोरेन ही रहने वाले हैं, फैसला चाहे कुछ भी आ जाए। तो अगर अयोग्य ठहरा भी दिया जाता है और चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जाती है तो जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि 6 महीने के भीतर दोबारा चुनाव लड़कर हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। रुख करना चाहूंगी अपने सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी का, जो तस्वीरें महत्वपूर्ण हम तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानेंद्र, अभी जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य से बात कर रहे थे, वो तो कह रहे हमने कोई तस्वीरें नहीं देखी, हमने कोई बैग नहीं देखे, हमने बताया भी कि ये तस्वीरें तो खुद आप हम तक पहुंचा रहे हैं, अभी कैसी हलचल? झूठ बोल रहे हैं भट्टाचार्य, और सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, और नेता झूठ बोलने में बहुत संकोच नहीं करते हैं। एबीपी न्यूज़ ने ही 4 बैग लाइव दिखा दिए कि कैसे मुख्यमंत्री निवास के अंदर जो गाड़ियां जा रही हैं उसमें बैग रखा हुआ है और वो अंदर हैं।
झूठ नहीं भी बोल रहे होंगे तो वो उनको जानकारी नहीं होगी कि बैग, क्योंकि वो अंदर बैठे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि कैसे कुर्सी बच सके। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही हैं उसमें ये तमाम लोग जो कैमरे में दिख रहे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे मीडियाकर्मी, ये कैद वही कर रहे हैं कि सामान है कि नहीं है गाड़ी में, गाड़ी में सामान लेकर जाया जा रहा है कि नहीं, और ये दिखा रहे हैं, हम विजुअली दिखा रहे हैं, तो कैसे भट्टाचार्य साहब ये कह सकते हैं? और ये इतनी गाड़ियाँ इकट्ठा हो गई हैं यहाँ पर और सब लोग आ रहे हैं, जो आप जाने के मूड में नहीं आ रहे हैं वापस की जाके फिर रांची में अपने अपने विधायक निवास में चले जाएंगे, अब ये इस मूड में आ रहे हैं और ये इन्हें बता दिया गया है कि अब आप जाएंगे तो किसी दूसरे राज्य ही जाएंगे। और जहां तक चर्चा हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ ही जाएंगे क्योंकि कुछ विधायकों से बात हुई है। ये गेट जो सीएम आवास का है वो आज केंद्र बन गया है केवल इस चीज का कि यहां विधायक आ रहे हैं, बैग लेकर आ रहे हैं, सामान लेकर आ रहे हैं, और कुछ देर में ही एक खबर हम सबसे पहले दिखाएंगे और बताएंगे कि देखिए विधायक यहां से रवाना हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये देखिए गाड़ी जो आ रही है, ये गाड़ियों का आना जाना ये दिन भर लगा हुआ है और ये सब लोग आ रहे हैं, ये केवल इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि तैयारी हो रही है। इससे पहले भी विधायक मुख्यमंत्री निवास में प्रतिमा इकट्ठा होते रहे हैं, शाम को बैठक होती रही है, सुबह होती रही है, लेकिन जिस तरह से अभी हलचल है, जो तैयारी अभी है ऐसी पहले कभी नहीं देखी गई। और कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि फैसला आज ही आना है, सदस्यता रद्द होने का औपचारिक ऐलान आज हो जाएगा और जब ऐलान हो जाएगा तो फिर इसके पीछे जो बोल रहे हैं भट्टाचार्य साहब, जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे। ये देखिए बैग, ये बैग नहीं है, ये भट्टाचार्य साहब देख लीजिए, अगर अंदर देख रहे होंगे तो ये देख लीजिए गाड़ी में, ये बैग है, फर्स्ट एड बॉक्स है, गोली दवाई सब है कि अगर बीमार हो गए तो इलाज भी हो जाएगा, और सब लेकर तैयारियां यहाँ से जा रहे हैं विधायक। तो कैसी बात कह सकते हैं वो कि नहीं है। दुर्गेश दिखाइए तस्वीर जरा उधर, जो गाड़ियाँ आ रही हैं अब, देखिए नेता अगर हो सकता है भट्टाचार्य साहब का ही बैग हो ये, और हो सकता है कि उनकी गाड़ी बैग लेकर जा रही हो। तो एबीपी न्यूज़ में जो सवाल प्रतिमा आप पूछ रही थी बहुत जिम्मेदारी से और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही थी, उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन यहाँ विधायकों के आने ये सहयोगी हैं जो लगातार दो दिन से, ये बताइए कि आपकी किसी विधायक से बात हुई है जो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जाना है? देखिए जो कल की जो बैठक हुई थी उसमें यह स्पष्ट बोल दिया गया था कि आप लोगों को छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा और आप पूरा लैगेज के साथ। विधायक साहब की बात हुई है जानकारी? चार पांच विधायकों से बातचीत हुई है, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन ये दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे यूपीए के जो विधायक हैं उनको बाहर ले जाया जा रहा है। वजह आपको मालूम है, लगातार आप खबरों में हैं ही, लेकिन वो जगह चेंज कभी भी हो सकता है क्योंकि वो सारा जो प्लान है। विधायक ने छत्तीसगढ़ का जिक्र आपसे किया था, नाम मत बताइए। छत्तीसगढ़ का जिक्र हुई है, छत्तीसगढ़ विधायकों को ये बोला गया कि आपको छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा। देखिए हमारे सहयोगी हैं और लगातार सहयोग कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे क्या हलचल है, ये कह रहे हैं कि इनकी विधायकों से बात हुई है, हालांकि हमने भी कुछ विधायकों से, कैमरे पर तो कोई बोलेगा नहीं, कैमरे पर तो भट्टाचार्य ये भी कह रहे हैं कि बैग नहीं है, खाली आ रहे हैं, कौन बता रहा है? लेकिन एबीपी न्यूज़ कैमरे के माध्यम से स्क्रीन पर दिखा रहा है कि देख लीजिए ये बैग है, ये तैयारी है विधायकों को मुख्यमंत्री निवास से निकाल कर सुरक्षित किसी ठिकाने पर पहुँचाने की। एक बड़ा सवाल ये भी है कि लोकतंत्र का पर्व, लोकतंत्र का पर्व जब चुनाव के समय, प्रतिमा हम सब आप चुनाव की रिपोर्टिंग करते हैं तो इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज उसी पर्व पर देखिए कैसे सेंध लगी है कि क्या विधायक बिक जाएगा, क्या विधायक पैसे से बिक जाएगा, जिसका डर है और जिसे डर सता रहा है कि क्या फूट पड़ जाएगी, और इसलिए विधायकों को एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।